नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं यस बैंकिंग। यस बैंक का अपडेट जो आपको मैंने फ्राइडे को दिया था कि यस बैंक में इस प्रकार की चाल रह सकती है और वहाँ से यस बैंक टकरा कर वापस लौट सकता है। चलिए यस बैंक के कामकाज के बारे में बात करते हैं। यस बैंक के कामकाज के बारे में आपको बता दूँ, यस बैंक की जो ओपनिंग हुई थी 277.90 पे हुई थी और 281.50, जहाँ पे मैंने आपको 277.50 का तो यहाँ पे 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि डेमो बताया था, और 280 और 81 के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस आपको दिखाया था जो मैं चार्ट लेके चलूँगा। चलिए यस बैंक के कामकाज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे यस बैंक में कामकाज के बारे में कि यस बैंक में लगभग 3.5 करोड़ की वो ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से 1.5 करोड़ की जबरदस्त यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी में तो कोई कमी नहीं है कि डिलीवरी भी जबरदस्त डिलीवरी है, लेकिन फिर भी चार्ट के संकेत को भी तो समझना जरूरी है और उसी संकेत को समझते हुए यहाँ पे यस बैंक की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। वो यहाँ पे देख सकते हैं लोग, यहाँ पे लास्ट में सेलिंग क्वांटिटी यहाँ पे लगी हुई है, 46,000 सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई है। तो यस बैंक तो आज आज अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अलर्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई है और चार्ट का जो कुछ संकेत है ना, जो जिस प्रकार मैंने यहाँ पे आपको अपडेट दिया था फ्राइडे को, इस प्रकार का चार्ट यहाँ पे बन सकता है, उसी प्रकार का चार्ट यहाँ पे बना है। चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं यस बैंक का। यहाँ डिलीवरी के अनुसार भी बात करेंगे और उसके चार्ट के अनुसार बात करेंगे और 1 डे के चार्ट पे बात करेंगे और 1 वीक के चार्ट पे बात करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे यस बैंक का जो चार्ट मैंने यहाँ पे निकाला, यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था फ्राइडे के दिन भी कि यहाँ पे यस बैंक का जो ये ग्रीन जो लाइन आ रही है 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ से टकरा कर पिछली बार भी लौटा था। ये देखो ग्रीन कैंडल यहाँ से टकरा कर वापस लौट चुकी थी और कल भी ये इससे टकरा कर और उसके ऊपर चला गया था। ये यहाँ पे जो मैंने एक रेजिस्टेंस की लाइन खींच रखी, यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन खींच रखी मैंने, इससे जैसे ही टकराया वापस लौट गया और ये जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है इसके भी नीचे आ गया है और देख सकते हैं कि ये क्लोजिंग कहाँ तक आई है। अब ये इस कैंडल जो का जो रोल्स होगा, जो आपको मैंने फिर से वही अलर्ट यहाँ पे, ये जो अलर्ट मैंने यहाँ पे दिया था इस कैंडल का लो ब्रेक होने के पश्चात, ठीक है, तो यहाँ भी इस कैंडल का ये लो ब्रेक हो जाएगा तो इसका जो टारगेट रहेगा पहला टारगेट रहेगा 268 का, ठीक है। 268 से नीचे नहीं जाएंगे अपन, क्यों? कि 268 के नीचे पे अगर क्लोजिंग देगा या 268 के नीचे ये ब्रेक कर देगा फिर बाद में डायरेक्ट आएगा 260 के टारगेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 268 68 का टारगेट दिखाएगा वापस यस बैंक लौट सकता है, ठीक है, वापस लौट सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें इस कैंडल्स का जो रोल्स होता है वो डबल टारगेट में चलता है। पहला टारगेट होता है कि इस कैंडल का लो ब्रेक होने के पश्चात में पिछले कैंडल के लो तक जाता है या वहाँ से लौट जाता है, जिस प्रकार इसमें यहाँ तक गया था, देखो यहाँ से लौट चुका था, ठीक है। दूसरा टारगेट कब आता है इसका, जो पूरा प्रॉपर काम करता है कैंडल, इस कैंडल का लो ब्रेक करने के पश्चात, इस कैंडल का लो ब्रेक करने के पश्चात फिर ये इस कैंडल तक आने का दमखम दिखा सकता है, जो कि 260 और 255 तक का टारगेट आपको दिखा सकती है। चलिए ये तो होगी 1 वीक 1 डे के बेस पे, लेकिन 1 वीक पे आपको दिखाना चाहूँगा, 1 वीक पे यस बैंक का जो जबरदस्त स्थिति आपके नजर आ यहाँ पे नजर आ रही है, तो इसमें देखने लायक है कि 1 वीक पे यस बैंक का जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 1 वीक पे यहां पे देखें तो इसमें 1 वीक के चार्ट में कोई कमी नहीं है और जबरदस्त बुलिश कैंडल बनी हुई है। और ये बुलिश कैंडल जो बनी हुई है यहाँ पे, इसका जो 270 का जो मैं बता रहा था कि 270 के ऊपर यस बैंक की जो क्लोजिंग आएगी वो आपको 290 लेके जाएगी, ठीक है। तो यस बैंक घूम घुमा के 268 भी आ सकता है, 260 भी आ सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर इसको जाना है कि 1 वीक का चार्ट जो इसने बुलिश चार्ट बनाया है, तो 1 वीक के चार्ट इसको जो टारगेट निकल के आ रहा है आपके 290, तो आराम से इसको अचीव होते हुए मिलेंगे, ठीक है, 290। उसके पश्चात यस बैंक का जो टारगेट रहेगा मुझे यहाँ से देखो 320 से 334 तक का यस बैंक का टारगेट यहाँ पे नजर आ रहा है, और यस बैंक का जो मैंने आपको लाया और लॉन्ग टर्म का टारगेट 350 रखे थे, वो भी 350 भी 1 वीक के टारगेट के अंदर से यहाँ पे बिल्कुल नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि रजिस्टेंस यहाँ पे कहाँ है, इस को निकालने के पश्चात देखो ये जो इस पर खड़ा है इसको निकालने के पश्चात रजिस्टेंस यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा जो कि 350 का है। तो यानी कि 1 वीक की कैंडल से यहाँ पे 290 आपको 290 और 350 के टारगेट बिल्कुल अच्छे होते हुए मिलेंगे, लेकिन ये 1 डे का जो जो मैंने आपको बताया बताया सर्कुलेशन मतलब किस प्रकार यहाँ पे चार्ज चल सकता है यस बैंक की, अगर जिस कैंडल का लो ब्रेक होगा आज की यानी कि पिछली जो कैंडल का लो ब्रेक होगा उसका मतलब लो ब्रेक होने के पश्चात 268 और 268 को ब्रेक होने के पश्चात 260 के टारगेट दिखा सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाने का भी दमखम दिखा सकता है क्योंकि 1 वीक पे इसने बढ़िया पकड़ बना रखी है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो इस रेजिस्टेंस से टकराकर वापस नीचे आया, तो रेजिस्टेंस अभी आप कब कहाँ है 255 का है, ठीक है, तो 255 के पहले पहले इसमें लौटना चाहिए, लेकिन अभी तक 255 कहाँ आएगा, ठीक है, तो पहले तो इसको लो ये ब्रेक करना होगा 200 ये ब्रेक हो करना होगा 273 को, ठीक है, 273 को, ये मैंने आपको बताया था कि 281 से टकरा कर 272 तक आएगा, तो 273 तक आया, अब इसको 273 को जैसे ब्रेक करेगा 268 देखो 268 तक आ सकता है, लेकिन 268 के नीचे चला गया पीएसपी में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है कि यस बैंक फिर 260 255 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है, ओके दोस्तों। लेकिन 1 वीक बढ़िया इसमें स्थिति बना रखी है कि 1 वीक में मान लो यस बैंक 260 268 तक भी आ गया तो वापस से ऊपर अपना दमखम दिखा के 290 250 तक टारगेट आपको दिखाने का दमखम रखता है, ओके दोस्तों। तो किसी भी ट्रेड कोई भी ट्रेड लेने से पहले दोस्तों आप अपने एडवाइजर की सलाह जरूर ले लेंगे और
उनकी सलाह लेकर ही दोस्तों एक बार अपना एनालिसिस एक बार खुद कर लेंगे। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशन पर्पज की नज़र से बना रहा हूँ, दोस्तों इसी प्रकार का रिस्क आपका खुद का ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों ट्रेड आप करते हो पोजिशनली ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड, और प्रॉफिट होता है दोस्तों आपका ही होता है, तो लॉस होता है दोस्तों आपका ही होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ करने से पहले दोस्तों उसको समझे, देखिए उसके पास आप करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।